आज भाई कहाँ पे है भाई? आजा कसौल, चल आजा मिलते हैं। तो भाई ये कपड़े देख रहे हो, इसका मतलब भाई अपन जा रहे हैं ट्रिप के ऊपर, एडवेंचर के ऊपर। और मैं क्या क्या लेके जा रहा हूँ एक बारी आपको गाइड कर देता हूँ, एक बारी आपको बता देता हूँ कि इनके साथ लोग भी जा रहे हो तो भाई तैयारी करके जाना, क्योंकि मैं जा रहा हूँ अभी दिल्ली से कसौल एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होगी, मतलब 0 डिग्री माइनस में टेम्परेचर है। तो माइनस के लिए मैंने कोई नए कपड़े नहीं खरीदे हैं कि भाई जाके फैंसी शॉपिंग करूँ या कुछ, नॉर्मल हमारे डेली वेयर जो होते हैं वही कपड़े निकाले हैं एंड वही लेकर के जा रहा हूँ। लाइक ये है मोटे मोटे ग्लव्स, ये है एक छोटी सी, मतलब छोटी कह रहा हूँ, एक मोटी सी टोपी, कुछ ग्लव्स, मास्क, मोटी मोटी टी शर्ट्स, पतली टी शर्ट्स एंड ऑफ कोर्स ये बात है पजामाज, जीन्स, फुल टी शर्ट्स एंड एक दो बड़ी बड़ी जैकेट आपके पास जो भी अवेलेबल है। एंड ये हमारी स्वागत की बनियान, इसको साइड रख देते हैं। और ये हमारे बॉक्सर्स, और ये वाला वो बैग है जो मैं मनाली लेके गया था लास्ट, इसको हमने डालना है बैग के अंदर में एंड देन निकलना है शाम को। तो मैं मिलता हूँ आप सबको शाम को, ठीक है भाई? ठीक है, ठीक है। सो गाइस फाइनली मैं बैठा हूँ अभी ऑफिस के अंदर में और टाइम हो चुका है 5:29, 5:30 ऑलमोस्ट हो चुके हैं और 7 बजे की बस है। आई नो थोड़ा लेट हो चुके हैं, अब मेट्रो पे जाएंगे और सारे दोस्त आ रहे हैं अभी, वो भी आएंगे, उनसे मिलवाऊंगा। आगे पूरे दिन साथ में रहना तो मिलते रहेंगे, प्लस लास्ट व्लॉग में जो आप लोगों ने देखा था बॉबी, नोनी, अर्नव, हम सबके साथ में ही जा रहा हूँ। तो मैं चलता हूँ मेट्रो में, वहाँ पे हुआ तो वहाँ पे मिलता हूँ, नहीं तो जल्दी से बस में बैठते हैं एंड देन बातचीत करते हैं, ठीक है? कैब पे जा रहे हो बाबा? कैब ही बुला लिया है, बड़ी बड़ी वाली क्या है? बड़ी वाली एक्सेल वाली क्या है? कितने की हुई है? 400 रुपए की हुई है। चल ठीक है यार, फाइनली यहाँ पे सारे दोस्त आ चुके हैं और हम कैब पे जा रहे हैं। हमने डिसाइड करा क्योंकि हम बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं, तो एक बार मैं सबसे मिलवाता हूँ आप लोगों को। तो भाई ये हमारा दोस्त, हेलो बॉबी, ये हमारा दोस्त है मास्क उतार भाई, यो बेबी। और ये हमारे दोस्त नूनी, इसको तो आप जानते हो कि इसका मोटो व्लॉग आपने देखा है। तो अभी कैब आ रही, कैब में मिलते हैं और फिर मिलते हैं आपसे आगे बस में बैठ के। यो फाइनली वी आर इन द कैब, और हमने पहले सोचा था कि हम मेट्रो पे जाएंगे, लेकिन फिर हमने सोचा कि भाई कैब पे चलते हैं क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो चुका है। हमारी 7 बजे की बस है और अभी टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट 6:15 और हम जा रहे हैं। और आज ये जो ट्रैवल सीरीज बेसिकली होने वाली है, इसका ट्रैवल बेसिकली थीम जो रहने वाली वो यही रहने वाली कि भाई बजट ट्रैवल होगा। और मैंने सोचा है, मतलब सोचा है कि इस जो पूरा ट्रैवल है जिसके अंदर ट्रैक भी है, घूमना भी है, रेंट भी होगा बाइक, मतलब सब कुछ होगा, सब कुछ हम करेंगे अंडर 5,000 रुपीज़, मतलब सोचा है। बाकी लेट्स सी जैसा भी होगा अपडेट कर देंगे, और जो भी हमारा एक्स्ट्रा खर्चा होगा वो सब कुछ इंक्लूडेड नहीं होगा इसमें। बस के अंदर में, बस का नाम दोबारा बताया तो लक्ष्मी ट्रैवल्स है ना, और ये हमने बुक करी है 1,250 रुपये के अंदर में। और बस काफ़ी सही है, मतलब यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट, भाई चार्जिंग पॉइंट भी है, तो मतलब मस्त मज़ा सा आएगा, मस्त गाने वाने चलते जाएंगे और स्पीकर भी लेके आए हैं ट्रैकिंग के लिए, तो काफ़ी एडवेंचरस होने वाला है जर्नी हमारी। तो चलें आगे, चलो आज मोटो व्लॉग नहीं होगा नोनी का? नहीं, बस व्लॉग आज बस व्लॉग। अभी टाइम करेंगे गाइस, और अभी टाइम हो रहा है अराउंड 8 बजे और हम मोस्ट प्रॉब्ली सुबह 10 बजे तक पहुँच जाएंगे, तो जैसा भी होगा आपको बताएंगे। और एक चीज़ और इन्फॉर्मेटिव जो मुझे लगा भाई बताना वो ज़रूरी ये है कि लिखा हुआ था कि टेम्परेचर चेक होंगे, सैनिटाइज होगा और पानी की बॉटल मिलेगी और ये सब। जब मैं लास्ट टाइम गया था सिटी लैंड से, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इस बार लक्ष्मी ट्रैवल से जा रहा हूँ तो सैनिटाइज भी हुआ है, टेम्परेचर चेक भी हुआ है और पानी की बॉटल भी दी है। हालांकि सैनिटाइजर मास्क भी लिखा था बट वो हमें नीडेड नहीं है, तो दैट्स व्हाई वो नहीं मिला। बाकी बढ़िया यार, दे यार नहीं, तू तो नहीं पिएगा? पी ले, थैंक यू। पक्का? ये धूप हो रही है ना। तो गाइस फाइनली हम NH1 पे आ चुके हैं और यहाँ पे स्टॉप हुआ और अब उतरते हैं, तो उतर के अच्छे से बातें करते हैं। हेलो गाइस, क्या हाल? तीसरी बार बोल रहा था? नहीं हाँ, कुछ भी बोलना है इसको। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं शिवा ढाबा के ऊपर में, और यहाँ पे पीछे है हमारी बस, ये जो आप देख रहे हो ना, और ये मैंने लक्ष्मी ट्रैवल्स बुक करी है। एंड यहाँ पे जो मेन डाउट आ रहा है वो ये आ रहा है कि कौन से रास्ते से हम दिल्ली से जा रहे हैं। बेसिकली मुझे काफ़ी DM आ रहे थे कि हर्ष भाई आप मुझे बताओ रास्ता खुला है नहीं खुला है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही अगर हम बस से दिल्ली मनाली या फिर NH1 वाले रास्ते
से हिमाचल जाए तो कोई दिक्कत आ रही है नहीं आ रही है, तो भाई मैं बताना चाहूँगा रास्ता टोटली जो है सिंघू बॉर्डर तक बंद है, लेकिन सिंघू बॉर्डर से आगे जो NH1 है पूरा खुला हुआ है। बेशक पंजाब जाओ, हिमाचल जाओ या कहीं भी जाओ, तो हमारे जो बस ड्राइवर हैं उन्होंने क्या करा, बस को लेके गए भागपत UP, वहाँ से लिया उन्होंने एंड वहाँ से बस का यूटर्न लेके देन हम NH1 के ऊपर में आए हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं टोटली NH1 के ऊपर हूँ और ये पीछे आप देख सकते हो शिवा ढाबा का है, और पीछे भाई हाईवे है तो ट्रैफिक आ सकता है। एंड यहाँ पे अभी हम रुके हैं छोटे से ब्रेक के लिए, तो मम्मा ने कुछ खाने पीने के लिए दिया है एज यूजुअल माँ का प्यार। तो भाई ये रही कुल्लड़ वाली चाय और ये हमें बढ़ी है 25 रुपये की, और कुल्लड़ में चाय पीने का स्वाद ही अलग है। क्यों भाई 30 की चाय है लेकिन फिर भी कुल्लड़ में भाई स्वाद अलग आता है। हाँ भाई बिल्कुल, क्योंकि कुल्लड़ के अंदर मिट्टी की खुशबू आ जाती है। तो फिर ये कचौड़ी आ चुकी है हमारी और बॉबी की मम्मी ने बनाई है, तो आंटी थैंक यू सो मच। मज़ा आ गया, और मैंने स्पेशली कचौड़ी इसलिए मंगाई क्योंकि अभी खा लूँ फिर बताता हूँ। लास्ट टाइम हम जब मनाली गए थे 2017 में, तब भी बॉबी कचौड़ी लाया था और तब भी हमने कचौड़ी खाई थी, तो मेरे को थोड़ा यू नो नॉस्टैल्जिया वाला फील आ रहा था, तो मैंने कहा भाई कचौड़ी ला खाएंगे और बहुत स्वाद है। तो भाई टाइम हो चुका है 5:30 एंड टेम्परेचर होगा अराउंड 1 या 0 के करीब में, और यहाँ से भुंतर है अभी लाइक 40 किलोमीटर और कसौल है 82 किलोमीटर। कहाँ जा रहा है ब्रो? वॉशरूम नेचर्स कॉल। अच्छा, और यहाँ से कसौल है 82 किलोमीटर और ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है, मैंने शॉल वॉल लपेटी है, टोपी वोपी पहन ली है, साथ ही साथ भाई कॉफ़ी चल रही है यहाँ पे, और नॉर्मल सा ढाबा है जहाँ पे हर बारी रुकती है और कॉफ़ी की कॉस्ट है 40 रुपीज़। सोचा शेयर कर दें तो शेयर कर दी भाई। आगे भाई हेलो, जब भी आते हैं हेलो ही बोलते रहते हैं। तो ठंड भाई बहुत ज़्यादा है, अराउंड 0 होगा टेम्परेचर, 0 या 1 होगा, माइनस वन या 0 जितना भी टेम्परेचर इतना है। बाकी कसौल में उससे ऊपर हमें बर्फ़ मिलने के पूरे पूरे आसार है, साथ ही साथ हमारा खीर गंगा ट्रैक हमें कैंसिल होता दिख रहा है, बाकी लेट्स सी व्हाट हैपेंस, जैसा भी होगा सबको अपडेट करते जाएंगे साथ ही साथ। और बस बढ़िया कॉफ़ी चल रही है, मैं सो रहा था अच्छी खासी नींद आई, बस बढ़िया व्यू देखो एक बार। ऐसे मेरे लिए कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब मैं काफ़ी यूज्ड हो गया हूँ तो इसलिए, और स्टिल आप लोगों को दिखा रहे थे भाई पहले दर्शन हो चुके हैं और मॉर्निंग का टाइम हो चुका है 7:08 और सवेरा हो चुका है, सुबह हो चुकी है, और एक बार बाहर निकल के देखते हैं ठंड कितनी है। वैसे मुझे पता है बहुत 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 ज़्यादा होगी, तो आप लोग थोड़ा सा व्यू एंजॉय करो और मिलते हैं थोड़ी देर में आगे। अभी हम भुंतर में पहुँचे हैं और जब मैं लास्ट टाइम आया था तो भाई भुंतर पहुँचने में मेरे को अराउंड 12 बज गए थे और यहाँ से फिर मनाली अराउंड 4 घंटे और लग गए थे, तो इस बारी बहुत 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 जल्दी आ गए। बाकी 30-40 किलोमीटर हैं यहाँ से, तो मोस्ट प्रॉब्ली 1-1.5 घंटा वहाँ भी लग जाएगा, तो काफ़ी जल्दी आ गए, मोस्ट प्रॉब्ली 9 बजे तक पहुँचेंगे। साथ में आप देख रहे हो ये बेसिकली पार्वती रिवर एंड कसौल जो है बेसिकली वो पार्वती वैली के अंदर में है, और जो रास्ता है बहुत 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 पतला है, बस पता नहीं कैसे चल रही है। और जब हम मोटर ब्लॉग करेंगे मनाली जाएंगे तब मैं आप लोगों को अच्छे से दिखाऊंगा कैसा रास्ता है, और ऊपर माइक आ रहा होगा इसको भी कुछ काटना पूटना पड़ेगा ताकि जो बीच में कैमरे के डिस्टॉर्ट ना करे व्यू को। कसौल आने वाला है ऑलमोस्ट 25-30 किलोमीटर रह गया होगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो वहाँ पे हमने कोई रूम वूम बुक नहीं करा, तो वहाँ मिलते हैं एंड रूम देखते हैं एंड देन वहाँ पे बताते हैं आपको कहाँ स्टे कर रहे हैं एंड कितने का हमें स्टे मिला। गाइस फाइनली वी आर नाउ एट कसौल। अबे रुक जा यार, मेरे को ब्लॉग करने दे, रुक जा, अबे रुक जा भाई। सो गाइस फाइनली वी आर नाउ एट कसौल और टाइम हो रहा है अभी अराउंड, क्या टाइम हो रहा है
12:14 तो 12:14 हो रहे हैं एंड भाई अभी मतलब हम पहुंचे थे सुबह अराउंड 8 बजे करीब में, और जो हमारी बस है वो 8 बजे पहुंचा दिया था उसने, और फिर हमें 1-2 घंटे लगे होटल ढूंढते ढूंढते, और जैसे तैसे करके हमने अच्छे बजट के अंदर में, क्योंकि बजट ट्रिप है ऑब्वियसली, होटल ढूंढा है। होटल सही है, मतलब मैं नहीं बोलूंगा काफ़ी अच्छा है, बट एवरेज है, हाँ रहने लायक है, सही है। हम चार दोस्त मस्त बैठ गए, मज़ा आएगा। और जो होटल का प्राइस है वो है अराउंड 1500 रुपीज़ प्लस मैट्रेस अगर चाहिए तो उसके 300 एक्स्ट्रा, तो हम बोलेंगे नहीं, हम तो एक ही बेड में घुस जाएंगे। तो अभी हम चल रहे हैं कसौल मार्केट की तरफ में, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, और ये जो ब्लॉग है काफ़ी लंबा हो गया है, नो कल से ही चल रहा है, तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आज की वीडियो को इतना रखते हैं, मिलते हैं किसी और किसी और वीडियो में, तब तक लेते हैं उसके अंदर सर सानी बाय बाय, लव यू, टेक केयर, पीस आउट ब्रो, सी यू नेक्स्ट ब्लॉग। So guys, the time is around 11:30 in the night, and we are going to make Maggie for these my dear friends. Amri se parneet aa jaana to sahi, aise manake hai sachit na.